जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। ये सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन की पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति की सीटों को भी आरक्षित रखा जाएगा। परिसीमन आयोग राज्य के दौरे पर है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परिसीमन आयोग इस वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। आज परिसीमन आयोग ने जम्मू का दौरा किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जम्मू में प्रेस वार्ता के दौरान सुशील चंद्रा ने जानकारी दी है कि हमने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारी से मुलाकात की है। सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साल 1995 से जम्मू कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहाँ 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम मार्च 2022 तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। हम इस वक्त 2011 की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सुशील चंद्रा के मुताबिक परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। हमें जम्मू कश्मीर में 7 नई सीट जोड़नी है, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी। सुशील चंद्र ने बताया है कि हमने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है। हमने उनसे परिसीमन आयोग के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग की है। परिसीमन आयोग के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस आर देसाई ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि सभी पक्षों की ओर से हमें बेहतरीन सहयोग मिला है। हम बार बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी बात की जा सकती है। जाहिर है राज्य में परिसीमन आयोग अपना काम आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किया था, जिसमें राजनीतिक दलों ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग रखी थी और सरकार ने जल्द परिसीमन पूरा कर चुनाव करने का भरोसा दिया था। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।